नमस्कार, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज से हम पंच महापुरुष योग की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और प्रतिदिन एक पंच महापुरुष योग के बारे में बताएंगे। ये पंच महापुरुष योग पांच तरह से बनते हैं। कुंडली में जब भी मंगल केंद्र भाव में 1-4-7-10 में उच्च या स्वराशि में विराजमान होते हैं तो रोचक नामक राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे ही बुध केंद्र भाव में जन्म कुंडली में स्वराशि या उच्च राशि में विद्यमान होंगे तो भद्र नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। बृहस्पति जब स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान होते हैं तो हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। शुक्र जब स्वराशि या केंद्र भाव में 1-4-7-10 में स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान होते हैं तो मालव्य योग का निर्माण करते हैं। और शनिदेव जब स्वराशि या उच्च राशि में केंद्र भाव में विराजमान होते हैं तो सस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। तो आज से हमारी जो श्रृंखला शुरू हो रही, सबसे प्रथम जो है मंगल से हम शुरू कर रहे हैं। मंगल किसी भी लग्न की कुंडली में केंद्र भाव में 1 प्रथम भाव लग्न, सुख भाव चतुर्थ, 7 सप्तमेश सप्तम भाव पार्टनर का भाव और दसम भाव कर्म का भाव, इन भावों में स्वराशि अर्थात मेष या वृश्चिक राशि या उच्च राशि मकर में विद्यमान होंगे तो रोचक नामक राजयोग का निर्माण होगा। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? जो व्यक्ति रोचक नामक राजयोग में पैदा होता है वह या तो खिलाड़ी होता है या सेना पुलिस इन सब क्षेत्रों में या भूमि से संपर्कित जो है कार्य करने वाला बड़ा व्यापार बिल्डर और रियल इस्टेट के बड़े बड़े एजेंट भी ये सब जो भूमि से लाभ अर्जित करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भूमि का सुख भी बहुत होता है। ये लोग अच्छे मकान की प्राप्ति करते हैं, भू संपत्ति भी काफ़ी होती है इनके पास और ये शरीर से बहुत फिट होते हैं, शारीरिक ढांचा इनका बहुत अच्छा होता है। बस थोड़ा सा क्रोध की मात्रा इनके अंदर ज़्यादा होती है, ये अपनी ही चलाते हैं लेकिन इनका व्यक्तित्व कुल मिलाकर अनूठा होता है। ऐसे व्यक्ति पुलिस में बड़े अफसर बनते हैं, सेना में बड़े अफसर बनते हैं, किसी भी तरह के फोर्स लाइन में या सिक्योरिटी की जहाँ बात की जाती है उन क्षेत्रों में, या खिलाड़ी या बड़े खिलाड़ी भी बनते हैं जो उच्च स्तर तक के खेल के क्षेत्र में अपना नाम करते हैं। वो जनरली इनके देखा जाता है कि मंगल कहीं ना कहीं उनका बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह के इनके प्रभाव होते हैं। तो आज जो है मंगल से बनने वाला रोचक नाम राजयोग के बारे में बताया। इस तरह का योग किसी कुंडली में हो तो अवश्य ही जो है उसका विश्लेषण करा के उसका काल समय जाना जा सकता है। अगले अंक में पुनः दूसरे राजयोग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।